अगर अम्मी ने ये कदम उठा लिया ना तो मेरी सास और नंद ने मुझे ताने दे देकर मार देना है। अम्मी ने जो करना होगा वो तो कर लेंगी, पर दुनिया को तो हमें फेस करना है ना। एनीवे, अगर तुम मेरी मानो तो अपने घर चली जाओ। लेकिन हानिया, ठीक कह रही हूँ मैं? शहजाद भाई पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने एक दफा रब्ता किया उसके बाद दोबारा रब्ता भी नहीं किया तुमसे। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए और फिर तुम उनसे नजरें ना मिला पाओ, कोई ऐसा फैसला हो जाए। नहीं, मुझे यकीन है कि अम्मी ऐसा नहीं करेंगी। यकीन मुझे भी है, अम्मी ने इकरार करना होता तो हमारे सामने कर लेती, अपने फैसलों की बहुत पक्की है। उन्होंने इनकार भी तो नहीं किया, लेकिन ये जुर्म तो नहीं है हानिया, ना ही गुनाह है। हमें तो इसी माशरे में जिंदा रहना है ना। अम्मी तो किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, ना ही उनको अपनी किसी गलती पे पछतावा है। देखा तुमने, उनको अपनी बेटी से दूर होने का गम भी नहीं है, या फिर वो जाहिर ही नहीं करती, बेशक अंदर ही अंदर तड़पती हो। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, शायद वो जिंदगी भर ना बताती अगर अंकल सलीम की जुबान से ना निकल जाता। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत याद करती होंगी, और वो तो अम्मी को जानती भी नहीं होगी। खैर, मैं शहजाद को कॉल करती हूँ। तुम खुद चली जाओ और उन्हें जाके यकीन दिलाओ कि तुम उनसे दूर नहीं रह सके, इसीलिए किसी को बताए बगैर आ गई। शायद तुम ठीक कह रही हो। शहजाद, 2 दिन बीत गए और आपने मुझे कॉल तक नहीं की। आपको पता है, आपसे 2 पल की भी दूरी मुझे गवारा नहीं है। मैं रोती रही, तड़पती रही सिर्फ आपके लिए। तुम्हें आया तो था तुम्हें लेने, उस वक्त क्यों नहीं आई मेरे साथ? तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता आप पे कि मैं आपको कुछ नखरे दिखा सकूं, और वो भी सिर्फ इस लालच में कि आप मुझे मनाने के लिए आए। सौलिया, मैं क्या करूं, तुमसे दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, और अपनी माँ बहन को बेसहारा तो नहीं छोड़ सकता ना। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो अगर मुझसे मोहब्बत करती हो। शहजाद, अगर मैं आपसे मोहब्बत ना करती होती तो मैं अपनी अम्मी को इस तरह छोड़ के और हानिया को सोते हुए छोड़ के आपके पास ना आ जाती। और याद रखे कि शौहर की मोहब्बत में अक्सर बीवी खाक में मिल जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो। सुनो ना, बस कहीं से थोड़ी सी रकम अरेंज हो जाए, मैं रानी जी सबसे पहले शादी करवाऊंगा, ठीक है? अम्मी तो वैसे ही बुढ़ापे की तरफ जा रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मेरी हाथ है। भला जवानी और बुढ़ापे का क्या मुकाबला। वैसे एक बात है, तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूं।